चलो चलो निकलो 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 भगा रहे। व्यू चेक करें। हम देखा कितने का 240 और क्लब सैंडविच है 200। आपकी बाइक का मेरा एक्सीडेंट दो दिन से रहेगा। भाई क्या हो गया? मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं तुझे मार के मरूंगा कसम से। तुम्हारे लिए मैंने 70 का पराठा मंगवाया है। किसने बोला भाई? तो तू बारबेक्यू किससे खाएगा यार? तू पागल वाली बात नहीं कर। अभी यार ये पिट्टा वट्टा बंद करो, मैं एक बात हूँ। हम लोग खाना खा चुके, कोल्ड ड्रिंक पी चुके, अभी चाय पियेंगे, घर जाके ग्रीन टी पी लेंगे, फिर इसको यहाँ से पिट करने आएंगे। ऐसा आ गया सके मैं को कि भाई आज अभी कुछ दिन पहले मेरी बर्थडे गुजरी थी, तो उस टाइम मैं दे नहीं इनको बर्थडे नहीं ट्रीट दे पाया था, क्योंकि उस दिन इनका ऑफिस था, इस वजह से मैं इनको ट्रीट नहीं दे पाया था। तो आज मेरे साथ रेयान, ज़ईम और उज़ैर हैं, इनसे मिले। ये पहली बार मेरे यूट्यूब की वीडियो में आ रहे हैं, तभी सीन ये कि अभी हम लोग सबसे पहले जाना था, ये बताओ, मेरठ से तो हमें काम है, फिर उसके बाद हम लोग ये चाय दीवारी जाएंगे। तो अभी मेरठ से हम लोगों को, मेरठ के बाद हम लोगों को थोड़ा काम से जाना है, तो हम लोग चाय दीवारी जाएंगे। चलो चलो निकलो 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 जाना कहाँ है? मेरठ। अभी हम लोग मेरठ साइड जा रहे हैं, भगा रहे हैं। कहना चाहो अभी सीन ये कि हम लोग मेरठ साइड जा रहे हैं, मेरठ के बाद हमें थोड़ा सा काम से जाना है बिस्मिल्ला टावर, फिर वहाँ से हम लोग चाय दीवारी जाएंगे और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या सीन होता है। आज मैं इनको ट्रीट दे रहा हूँ, इन सबको आज मैं ट्रीट दे रहा हूँ, क्योंकि इनका संडे को ऑफिस, जुमे को ऑफिस था, इसलिए नहीं दे पाया था मेरी बर्थडे वाले। उन्हें क्या क्या मंगवाया? चिकन टिक्का, चिकन टिक्का और दो क्लब सैंडविच। क्या मांग तुम लोगों ने, क्या क्या मंगवाया तू? क्लब सैंडविच बस वही ना। तो ये चिकन टिक्का कितने का? 240 और क्लब सैंडविच पीछे, शायद पीछे 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 पीछे, नहीं ये रहा, ये रहा, क्लब सैंडविच है 200। हमने दो क्लब सैंडविच मंगवाया और एक चिकन टिक्का, तो ये कितने हो गए? 200, 200, 400, 600, 640। व्यू चेक करें। अब अगले व्लॉग में उपरी भाई के साथ आप लोग यहाँ स्विमिंग करेंगे। और रेयान भाई आज आप लोगों का क्या था वो चीट मिल? चीट मिल होता है, चीट मिल ना। तो आज तुम फिर कल से कैसी ट्रेनिंग करोगे तुम? कल से डबल एक्स्ट्रा हैवी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यार, हैवी ट्रेनिंग। और आप? ये कल अबे हाँ, अरे ये ऑफिस में क्या डेली का चीट मिल ही होता है। ये ऑफिस में बिरयानी खाते हैं डेली डेली। तेरा ट्रेनर ये वीडियो देखेगा। हाँ दिखा ले, बहुत बिरयानी खाते हैं ऑफिस में। अक्सर एक दिन बिरयानी ना हो तो तेल वाले बाहर के सालन खाते हैं। इनकी मैंने क्या खाया था, डेली चीट मिल होता है मेरे ख्याल से। एक दिन होगा जिस दिन मील खत्म नहीं करता, नहीं खाता भाई। ये लेके तो जाता है सेब, उसको रखता है साइड पे और सेब को सूंघे जिंगर खाता, उल्टा करता है बिल्कुल। पहली अभी रिसेंटली हफ्ते को आपके भाई ने खाया है अंडे वाला बर्गर। मैं वाला हूँ, सही है। अब मैं वजह बताता हूँ क्यों भाई। देखो मैं जब ऑफिस गया हूँ वहाँ पे मैंने पहले दिन खाए वहाँ पे छोले कुछ थे वो खाए, सही है। सालन मुख्तलिफ थे, कोरमा भी था, मैंने छोले खाए। अगले दिन दाल थी, ठीक है, मैंने खाई दाल। ये उस वक्त कोरमे खा रहा था, मंड रहा था साइड से भाई। देखो मैं तो नहीं हूँ ना जिम डाइटिंग और में। मुझे ये याद है कि एक बंदे ने बोला यार अब दाल खाई जा रहे हो, ये कोरमा खा लो। बोला नहीं यार फिट गया फिर। ये बताओ क्या ये फिटने वाले काम कर रहे हैं भाई? बात ये है कि कोरमा या दाल वो घर की तो थी नहीं, बाहर के होटल की थी, उसमें तो तेल। और अभी रिसेंटली रेयान भाई ने हफ्ते को कल ही अंडे वाला बर्गर खाया फ्राइज के साथ। अबे हमें क्या बोल रहा होता है ये?
देख ले आप, शक्ल पे लिखा हुआ है चीटर, माथे पे लिखा हुआ है। ये कि हम लोगों ने सारा सामान ले लिया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सही है भाई, निकले निकले यहाँ से। कॉल आ रही है, चलो एक मिनट रुको, कॉल आ रही है इसकी। यार यहाँ बंदा शूट करवाए, क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छी है। ये वही है, बाइक कौन सी है यहाँ जिसमें हम बैठे हुए अभी? यार ये वाई भी आ रहे हैं, वाई भी आ रहा है। यार कल ही कसम दिल आ गया इसमें, क्या इसकी आवाज़ है, सुकून है इस बाइक में। यार हमें थोड़ा बिस्मिल्लाह में काम है, इस वजह से अभी हम लोग वहाँ से फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग चाय दीवारी जाएंगे। अभी सीन ये कि हम लोग बिस्मिल्लाह पहुँच गए हैं, तो अभी मैं ज़रा ऊपर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ये थोड़ा बहुत आप लोग चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ये व्यू है। तो मैं अभी ऊपर से होके आपको सही तो ये पकड़ूंगा, ठीक है? ओके, अच्छा काम हो गया। आपकी बाइक का मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं तुझे मार के तेरी बाइक का रेस है, सच्चा मैं पैदल पहुंच अबे जवान। चाय दीवारी की पार्किंग है, वही जिम वाली है, क्योंकि जिम के पीछे ही चाय दीवारी है। अब ये बताओ कि ये लोग किधर है, अभी इनका कब तक आने वाले हैं? अभी हम लोग इनका वेट ही कर रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है पीछे रह गए, क्योंकि इसने बहुत तेज बाइक भगाई थी। मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत तेज बाइक भगाई थी ना तूने, तो ये लोग पीछे ही रह गए। अभी सीन ये कि कब तक आएंगे कुछ अंदाजा नहीं है। 346 मिनट्स लेटर। अभी तुम लोग कहाँ रह गए थे? रास्ता तेरे को नहीं पता? रास्ता वहाँ से निकल गया से थोड़ी आता। कहाँ से? यार तू थोड़ा सा दिमाग लगा, वहाँ से आ रहे तो इधर से रोड होगा। मैंने उसको बोला गली से ही ले ले। और इसको तिक्का ही नहीं आता, तिक्का किधर है? कह रहे गिरा दिया, मैंने बोला नहीं कर। गिर गया तेरा तिक्का बेटा, गिर गया। ये क्या है? ये हमारा तिक्का है, हम दोबारा ले गए, तेरा गिर चुका तिक्का। उजैर तो भाई चाय दीवारी, उजैर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे कवर लगा लियो पिक्चर। लगा दो यार, अच्छे थोड़ी अजान हो जाए उसके बाद में। उजैर ये तुम क्लब सैंडविच खाओगे, तुम भी क्लब सैंडविच खाओगे। मैंने तीन मंगवाए हैं, चिकन पराठे दो जितने की भी फर्क करो। वही तुम्हारे लिए मैंने 70 का पराठा मंगवाया है। किसने बोला भाई? तो तू बारबेक्यू किससे खाएगा? यार तू पागलों वाली बात नहीं कर। अबे यार ये पट्टा वट्टा बंद करो, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने अपना यूट्यूब पे ना सॉन्ग के नीचे कमेंट किया कि भाई बंदे को चाहिए कुरान पढ़ो, दिल को सुकून मिलता है। वो पागलों की तरह गाने सुन के लिख रहे हैं कुरान पढ़ो सुकून मिलता है। मैंने कमेंट किया जानी 2 महीने पहले, तो भाई उसके 1K से ऊपर चले गए लाइक्स। और आज कमेंट क्या किया था? मैंने बोला भाई कभी कुरान पढ़कर देखो, इससे ज्यादा सुकून मिलेगा। तो लोगों ने रिप्लाई दिया क्या कुछ देखा? 250 से ऊपर रिप्लाईज हो गए, लोग कह रहे हैं यार बेशक आपने बहुत टाइट बात किया। और आज तक 2 महीने हो गए। तो कोई ऐसा सैवेज कमेंट आया था, मतलब उसने तेरी बजाई हो इस बात? उसने पता क्या बोला होगा? उसने बोला होगा आप गानों के चैनल पर आए और अब ये बातें कर रहे हैं। हां मैंने उसको बताया भाई फारिग टाइम में मैं भी कभी कभार सुनता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आज से सुनना छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो। मैं भी सुनता हूँ बहुत कम, बहुत कम कोशिश करता हूँ नहीं सुनूँ। मुझे पता है ना ये बनाया। यार मैं भी सॉन्ग लिस्ट डिलीट करता हूँ। एक मिनट उसको बताया, ये तो कंफर्म जन्नत है। हाँ तू बता सॉन्ग लिस्ट। तो भाई मैंने उसको बोला कि यार मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनो। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कल से ही छोड़ दो, आप कर भी नहीं सकते। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सुकून ही उसको बना लिया, ये गलत बात है भाई। अब तुम लोगों की लड़ाई भी खत्म हो गई, अच्छी बात भी सीख ली। चलो खाना मंगवाओ यार। वो आ रहे उसको। अबे फिर पैसे फंस गए हुए, अरे रुक एक मिनट। हाँ ये रहे पैसे, अच्छी जगह पे रखा करो। पीछे वाली जेब में चले गए तो गिफ्ट पे चाहिए। हां
तो वीडियो बनाने से पहले जो है ना मैं देख रहा था इत्तेफाक से ना, मुझे याद नहीं वीडियो किस चीज़ पे थी, लेकिन शुरू में ना उसने एक शॉकिंग चीज़ बोली कि मैं आपको एक ऐसा एनिमल बताऊंगा जो पानी में भी रहता है। मतलब एक ऐसा ही उसने रिडल दी और बोला कि इसका जवाब बताओ। मैं नहीं बता सका, फिर उसने बोला कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा। मैंने डायरेक्ट वीडियो स्किप कर दिया एंड तक, एंड में गए कह रहे ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसलिए कहा था कि आप वीडियो देख लो। यार वो तो शिक्र है कि मैंने वो अपना वॉच टाइम आवर बढ़ाना चाह रहा था, पब्लिक वॉच आवर जो होता है ना यूट्यूब पे, वो बढ़ाना चाह रहा था। चलो भाई आ गए पराठे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी कि हम दूसरे रेस्टोरेंट का खाना ले आए थे, इसलिए हमें फिर उस बंदे ने यहाँ पर खाना खाने से मना कर दिया था। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये चाय दीवारी के पराठे खा के हम यहाँ से निकल गए थे। हम लोग जो बाहर से खाना लाए थे, हमें दरअसल शायद पता नहीं था कि यहाँ पे क्लब सैंडविच टाइप चीज़ें मिलती हैं। हमें क्लब सैंडविच टाइप यहाँ चीज़ें मिलती हैं तो हमें पता नहीं था। अभी हम लोग तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, कहाँ पर वो कहाँ पे जाने का, देर ही आगे लगा लो, होटल पे जाना है, होटल पे। तो अभी हम लोग होटल पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम दूसरा मीरठ का खाना लाए थे, लेकिन वो यहाँ अलाउ नहीं था, हमें पता नहीं था, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वहाँ जाके खाना खाएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ से खा लिया, वहाँ जाके खाएंगे। राडो पे एक जगह है, ये बताई है जईम ने कॉल करके मेरे को, बोला कि राडो पे आ जाओ, हमें क्योंकि मैं उजैर के साथ था, जईम रेहान के साथ था। तुम बताओ, बल्कि तू तो चाय पिएगा नहीं, तू बता राडो मैं तो आता रहता हूँ। बेहतरीन चाय है यार राडो की, अब पता नहीं कैसी, मैं तो करती ही नहीं है। अभी मंगवाते हैं बेटा राजा, अभी अगर किसी ने बोला ना कि यहाँ नहीं खा सकते, वैसे उसने वहाँ मना कर दिया था बे। अबे वो उनकी अपनी जगह है ना, यहाँ तो उनकी अपनी जगह है वो यार। ये खाए जा रहे हैं यहाँ पे घर घर पे बोलते हैं अम्मी मैं वो आ रहा हूँ जरा दाल दाल रोटी खाने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। यार सही है भाई, क्या चल रहे हैं भाई डाइटिंग पे। चलो भाई बन करो खाओ, तू मेरे ऊपर आ गया। बेटर को बोल दिया तूने, यहाँ भी बेटर, ओ भाई ये मर जाएगा, बोलेगा मुझे दफनाने के लिए बेटर लाओ। हाँ भाई मैं उकाशा का दोस्त था, देख सकते हैं मेरा दो हफ्ते बाद आज चीट मील डे था, मैंने सोचा क्यों ना आज टिक्का मंगवा लिया जाए मीरठ से, वो खाया जाए। देख तेरे व्लॉग में आ रहा हूँ, ये हमारे उक्की भाई हैं, उजैर ये रहा उक्की भाई, यहाँ स्टिंग पी जा रही है, चेक कर ठंडी स्टिंग। नहीं भाई नहीं, चेक कर बासे व्लॉग देखेगा उससे मैं कहना। मैंने अभी वासिल से रात में पूछा था भाई, पूछा था कि मैं चीट मील है मेरा, ठीक है मैं खा लूँ पिज़्ज़ा, रात में आया था मेरे घर पे, मैंने उससे कॉल करके पूछा, उसने बोला हाँ खा ले लेकिन पर कल कुछ नहीं खाई हो, मैंने पिज़्ज़ा छोड़ दिया और आज मैं ये खाने आया। पिज़्ज़ा छोड़ दिया तुमने, मेरे घर बाहर से कल खाना है, मैंने कल भी खाया आज। बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है यार, मुझे लगा। और ये ऐसा बनता है, ये जईम, ये कहाँ गया, ये रहा ये जईम, ऐसा बनता है ये जिम आ जाता है, जिम से वापसी में बंदा चाय पीता है पराठे खाता है जाके फुल तेल से भरे हुए, हालांकि इसको ट्रेनर ने मना किया है कि खाने नहीं है, उसके बावजूद देख लो स्लाइस पी रहा, अगला स्लाइस भी पी रहा है। मैं बता रहा हूँ यार इधर का, आप 10 साल बाद भी देखोगे ना तब भी दोनों ऐसे ही होंगे, पराठे खा लो। यार आज मेरे भी चीट मिलती, अब घर जाकर मुझे वर्कआउट करना। ये हमारे यूट्यूबर, एक सवाल है इसे आज, ये अभी कह रहे घर वर्कआउट करेगा पराठे खा के कौन वर्कआउट करता है, जब आजम बारह एक बजे इसका आजम होगा। आप ये छोड़े, आप बताएं आपने कभी इसका अब तक टिक्का खत्म नहीं हुआ है, ये लोग खाना खा चुके, कोल्ड ड्रिंक पी चुके, अभी चाय पियेंगे, घर जाके ग्रीन टी पी लेंगे, फिर इसको यहाँ से पिक करना है। ऐसा आदमी है, हम लोग यहाँ खाना पीना सब कर चुके हैं और इसने अब तक ये देखो टिक्का नहीं खाया। नहीं बना, इस स्पीड से खाओगे तो जन्नत पे भी नहीं जा सकोगे। सीन ये कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमें थोड़ा घर का सामान लेना है, रोटी और दूध टाइप चीज़ें, वही बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। चल बैठ जाओ, चल भाई
कौन आ रहा है? आंटी आंटी चलो चलो क्या। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसी के साथ हम सब आपको मिलते हैं नेक्स्ट। तो इसी के साथ मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।